मथुरा में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। पहले कोरोना संक्रमित मरीज का निजी अस्पताल में इलाज कराना मुश्किल था, लेकिन अब मरने के बाद भी अंतिम संस्कार मुश्किल हो गया है। मथुरा के ध्रुव घाट पर अंतिम संस्कार के नाम पर की जा रही वसूली ने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया। कलेक्ट्रेट के एक पूर्व पेशकार की कोरोना संक्रमण से मौत हो जाने के बाद परिजन उसको अंतिम संस्कार के लिए ले गए तो घाट पर तैनात कर्मचारियों ने 20,000 रुपए मांगे। पैसे न देने पर अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया गया। बाद में 17,000 रुपए देकर अंतिम संस्कार कराया गया। मामला मथुरा के कोतवाली इलाके के कृष्ण विहार कॉलोनी निवासी त्रिलोक सिंह से जुड़ा हुआ है, जो कलेक्ट्रेट में पेशकार रह चुके थे। 14 सितंबर को उनकी कोरोना संक्रमण के चलते अस्पताल में मौत हो गई। एम्बुलेंस में उनका शव ध्रुव घाट पर अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया। मृतक के बेटे कमल सिंह का कहना है कि ध्रुव घाट पर ऊपर के हिस्से में सामान्य तरीके से मरने वालों का अंतिम संस्कार होता है, जबकि नीचे के हिस्से में कोरोना संक्रमित मरीजों का अंतिम संस्कार किया जाता है। मृतक के बेटे कमल का आरोप है कि जब वो अपने पिता के शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर गए तो ध्रुव घाट पर अंतिम संस्कार के लिए 20,000 रुपए मांगे गए। उनका कहना है कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने 17,000 रुपए देकर अंतिम संस्कार करवाया। कमल का कहना है कि 20,000 रुपए देने पर ही अंतिम संस्कार करने के लिए कहा गया। कमल ने इतने पैसे देने में अपनी असमर्थता जताई तो उसके अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। काफी मानव मनोबल के बाद 17,000 रुपए में कर्मचारी अंतिम संस्कार करने को राजी हुए। इसके साथ ही उनके द्वारा करीब 3.5 मन लकड़ी कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई। 20,000 रुपए की डिमांड किए जाने की घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में इस मामले की जांच शुरू कर दी गई। वहीं इस बारे में नगर मजिस्ट्रेट मनोज कुमार का कहना है कि एक मामला अगस्त माह में संज्ञान में आया था, जिसका निराकरण कराया गया था। अब ये मामला संज्ञान में आया है। ध्रुव घाट संचालन समिति और नगर निगम और पुलिस की संयुक्त बैठक करके इसका समाधान कराते हैं। मेरा नाम अजय कुमार वर्मा है। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी हैं ये बिस्डी, उनको कोविड पेशेंट थे और इनकी अंतुष्टि के लिए हम गए थे साथ में, तो घाट पे काफ़ी समय लग गया। बाद में हम काफ़ी दूर से जानकारी मिली कि ये किस वजह से लेट हो रहे हैं, तो उन्होंने कुछ पैसे की मांग वगैरह की होगी। अब ये कितने पैसे लिए कितने पैसे ना लिए ये हमको अभी जानकारी नहीं थी, क्योंकि हम दूर खड़े हुए थे। और ये पैसे लेके अगर हम अंतुष्ट करेंगे तो ये तो गलत बात है। पैसा लेना तो बिल्कुल ही नहायत गलत है कि एक तो आदमी गया हमारा, ऊपर से पैसे की मांग और की जा रही है, ये तो सरासर गलत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम के मिश्रा। जैसा कि ये आपके पड़ोसी हैं और ये कोविड से ग्रस्त एक्सपायर हुए हैं, क्या कहेंगे इनको लेकर के? कुछ नहीं, ये विष्ट जी हमारे कोविड-19 को लेके एक्सपायर हो गए। उसके बाद जैसे ही पता चला हम लोग ध्रुव घाट गए, ध्रुव घाट पर गए तो उनके क्रिया अंतिम संस्कार के लिए वहाँ देर हो रही थी, मुझे ड्यूटी भी जाना था। मैंने पूछा भाई क्यों देर हो रही है, तो पता चली यहाँ पैसे ऐसे मांगे जा रहे हैं, पैसे ऐसे लेंगे उसके बाद काम होगा। तो लगभग कोई कह रहा था 17,000 मांग रहे हैं, कोई 18,000 मांग रहे हैं, 20,000 मांग रहे हैं। तो इस तरीके की व्यवस्थाएँ ठीक नहीं है, मतलब पैसे लेके आदमी का क्रियाक्रम के लिए भी पैसे लगेंगे, तो थोड़ा सा बुरा लगा उसको सुनकर। तो आपको जानकारी है कि कितने पैसे में सौदा हुआ है? ये तो पता नहीं लग पाया कि हालांकि हम यमुना पुल पे खड़े थे, क्योंकि कोविड का केस था इसलिए दूर रहना था, लेकिन वहाँ ये चर्चा हो रही थी, सब लोग कह रहे हैं। तो बताते हैं कि निश्चित रकम को 17-18,000 में सौदा हुआ है, उसके बाद इसको क्रियाक्रम करने दिया गया। सर बताएं कुछ, एक ध्रुव घाट का मामला आ रहा है, अंतिम संस्कार के चक्कर में पैसे मांगे जाते हैं, 120,000 रुपये मांगे गए, 17,000 में उन्होंने फिर उसका अंतिम संस्कार कर रहा है, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए ध्रुव घाट पे क्योंकि यहाँ कोरोना पॉजिटिव भी जो डेथ होती है उनका भी अंतिम संस्कार होता है और जो सामान्य डेथ होती है उनका भी अंतिम संस्कार होता है। यहाँ पर एक बार मेरे संज्ञान में एक शिकायत आई थी अगस्त में, लगभग 20-21 अगस्त के आसपास, कि जो वहाँ पर एक व्यक्ति रिक्की नाम का था वो उनसे अधिक पैसे की मांग कर रहा था, तो मुझको उन्होंने फ़ोन किया, तो मैंने तत्काल वहाँ इंस्पेक्टर को पुलिस चौकी के माध्यम से उस व्यक्ति से की समस्या का निराकरण कराया। और मैंने उसी समय एक पत्र लिखा था अपने इंस्पेक्टर कोतवाली को, नगर आयुक्त साहब के यहाँ सहायक नगर आयुक्त को और CO को। चूँकि कोविड के जो केसेस आते हैं कोई व्यक्ति सामान्य आदमी छूना भी नहीं चाहता, उससे दूरी भी बनाए रखते हैं लोग,
अब हम चूंकि किसी का शोषण ना हो, इसके लिए इस घाट के रखरखाव करने की जो समिति है श्रीकृष्ण संस्थान से जुड़े लोग हैं उनकी एक बैठक आहूत करके इसका समाधान हम कराते हैं, जिसमें नगर निगम को भी बुला लेंगे, पुलिस को भी बुला लेंगे, इसका समाधान कराते हैं। मैं आपका, मेरा नाम कमल है, क्या कहना चाहेंगे पिताजी की जो मृत्यु हुई है उसको लेकर? हमारे पिताजी जो हैं कोविड 19 के पेशेंट लिख लेते हैं और हमने उनको नेती में हमने एडमिट किया था और यहाँ से हमने खूब अच्छे चलते, कोई उन्हें परेशानी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, हमने वहाँ जाके एडमिट किए। उसके बाद 24 घंटे के अंदर हमें न्यूज़ मिलती है, वहाँ कोई हमें बताने वाला नहीं था कि उनकी क्या सिचुएशन चल रही है, 24 घंटे बाद न्यूज़ देते हैं कि वो अब डेथ कर गए हैं। उसके बाद हमने पता भी किया कि क्या है, ना उन्होंने बताया कि इनकी तबीयत ख़राब है, आप दूसरी जगह ले जाइए, रेफ़र कर दिए, कोई मतलब नहीं उनका। अगले दिन हमारे पास फ़ोन आता है कि ये आपको डेथ कर गए हैं रात को 12:30 बजे। हम उनको लेके पहुँचे, अगले दिन हमने सुबह रात को जाके डिस्चार्ज वगैरह किए, सुबह हमने डेड बॉडी हैंडओवर ली। हैंडओवर लेने के बाद हमने एम्बुलेंस करी, वहाँ से हम सीधे ध्रुव घाट पहुँचे हैं। ध्रुव घाट पर एम्बुलेंस लगाते ही वहाँ के कर्मचारी आता है जो कहता है कि मैं 20,000 रुपये लूँगा। मैंने बोले किस चीज़ के, आप क्या फैसिलिटी दोगे 20,000 में, किस चीज़ के ले रहे हो? बोले आपको जलवानी है तो जलवाइए, नहीं तो कोई नहीं मतलब है। उसके बाद ज़रा हमारी बातचीत हुई तो 17,000 पर हमारा सेटलमेंट हुआ। 17,000 सेटलमेंट करने के बाद ना उसने गाइडलाइन कोई यूज़ कर रखी थी कोविड 19 की, उसने हाँ बॉडी उतारते समय उसने पीपीई पहन रखी थी लेकिन जलाते समय उसने पीपीई किट सारी उतार के फेंक दी थी। और उसके बाद उसने जितनी भी बॉडियाँ जलाई उसके बाद सारी बिना पीपीई किट के जलाई, और मेरे को भी कोई ऐसी प्रोवाइड नहीं करी थी पीपीई किट। बाकी उसके बाद मैंने उनका देह संस्कार वगैरह सारा मैंने किया, और करने के बाद मैंने उनसे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 17,000 रुपये आप ले रहे हैं, 20,000 रुपये ले रहे हैं, ये किस लिए ले रहे हैं? तो क्या कोई कोविड डॉक्टर था वहाँ? हाँ, कोई डॉक्टर नहीं था। जो पिताजी का अंतिम संस्कार किया था तो आपको पीपी किट नहीं पहनाई? नहीं, मेरे को कोई पीपी किट नहीं पहनाई थी मेरे को। कितने रुपए लिए थे आपसे? मेरे से 20,000 की मांग की गई थी जो 17,000 पर सेटल हुई थी। रसीद कितने की दी थी? रसीद मुझे जो दे रखी है, जो नॉर्मली वहाँ की घाट की कटती है उस पर तो 100 रुपये लिखा रहता है, लेकिन कोई बंदा लेके आया तो 100 या 250 रुपये ही कटती है जो नॉर्मली रसीद कटती है, जो वो रसीद मेरे पास है मेरे पास। और इसके अलावा मेरे 17,000 कुछ नहीं, वहाँ पर लकड़ियाँ भी जो नॉर्मली लगाते हैं 7 मन 8 मन, वो भी 3.5 मन 3 मन के आसपास लगाई थी, डेड बॉडी दिख रही थी, मैं दोबारा लकड़ियाँ डलवाई थी उसमें।